के चैन आप देख रहे हैं खबर इंडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुपरफास्ट खबरों पर। मंदसौर जिले के दलौदा नगर में नवशक्ति गरबा उत्सव समिति द्वारा दलौदा नगर में प्रतिदिन आकर्षक गरबे का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूसरे दिन बारिश के कारण युवतियों ने छाता लेकर गरबा खेला। वहीं तीसरे दिन आम जन को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करते हुए हेलमेट पहनकर गरबे किए गए। इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा गर्भवती महिलाओं के ओरल हेल्थ को लेकर आने वाले माह में महिला रोग चिकित्सकों का एक सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जिसमें शहर की लगभग सभी महिला चिकित्सकों को बुलाया जाएगा। बड़वानी खेतिया वन परिक्षेत्र के बायगौर रोड पर ग्राम भातकी में वन विभाग द्वारा लगाए गए दो पिंजरों में एक साथ दो तेंदुए कैद हुए हैं। दो महीने पूर्व इन तेंदुओं ने कई लोग पर हमला भी कर दिया था। शुक्रवार को शेगांव की बोराण नदी पर बनी पुलिया पर हो रहे गड्ढों से एक वाहन चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए चिकित्सालय रेफर किया गया है। इंदौर में कार के बोनट पर काला ऑयल डालकर और चालक को गुमराह कर कार से बैग चोरी करने वाली 10 सदस्यीय चोरों की टोली को थाना बाणगंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशे के सौदागरों के गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से 10 लाख रुपए कीमत की ब्राउन शुगर बरामद की गई है। यह आरोपी राजस्थान से इंदौर आकर इंदौर के सीमावर्ती इलाकों में नशा सप्लाई करते थे। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम के राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में चल रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने एक कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डीन एल्गर को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में अपना 200 विकेट पूरा कर लिया है। भारत ने अब एक नई मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया है। इसराइल की स्पाइक मिसाइल, जो आधुनिक तकनीक से बनी है, इस मिसाइल को टैंक क्लियर कहा जाता है। भारत में लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतें अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। भारत द्वारा प्याज का निर्यात बंद करने से बांग्लादेश प्रभावित हुआ है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद ये बात कही है। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर इंडेट के साथ।